बच्चों आज हम अकाउंट में जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधारभूत लेखांकन शब्दावली उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारा अकाउंट के अंदर इम्पोर्टेंट आइटम्स है और वो हमारी सारी बुक के ऊपर लागू होंगी और हर बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट जो है अकाउंट के अंदर जो शब्दावली यूज़ होती है वो क्या है। तो मेन जो लेखांकन शब्दावली है वो है, एक एक वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है व्यावसायिक लेन देन। सब बच्चों को पता होना चाहिए व्यावसायिक लेन देन क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्यावसायिक लेन देन, उसके बाद है आहरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइंग, क्रय जिसको कहते हैं परचेज। तो ऐसे वन बाय वन हम सारी शब्दावली को डिस्कस करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसको। तो लेखांकन शब्दावली में सबसे पहले है व्यावसायिक लेन देन। बच्चों व्यावसायिक लेन देन किसे कहते हैं? व्यावसायिक लेन देन ऐसे लेन देन होते हैं जिसमें किसी वस्तु या सेवा के ट्रांसफ़र से, किसी भी वस्तु या सेवा का ट्रांसफ़र होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। व्यावसायिक लेन देन ऐसे लेन देन को कहते हैं जिनका प्रयोग व्यवसाय में प्रतिदिन किया जाता है और जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ये लेन देन होते हैं। ये लेन देन जो है व्यवसाय में निरंतर होते हैं। जब भी कोई व्यावसायिक लेन देन होता है तो कुछ संपत्तियां होती हैं, दायित्व होते हैं, पूंजी होती है जिसका हम लेन देन करते हैं। तो व्यावसायिक लेन देन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है, जैसे संपत्ति है। संपत्तियां क्या होती हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, दायित्व क्या होते हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे व्यावसायिक लेन देन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्यावसायिक लेन देन में पूंजी। पूंजी क्या होती है? आधारभूत लेखांकन शब्दावली में हमने फर्स्ट पॉइंट किया व्यावसायिक लेन देन। सेकेंड है इसमें पूंजी, जो व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अपना धन इन्वेस्ट किया है। व्यवसाय में स्वामी के द्वारा जो भी धन विनियोजित किया जाता है, जो धन इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे सपोज करो राम है, राम ने बिजनेस शुरू किया, 5 लाख रुपए की पूंजी लगाकर, पैसा लगाकर 10 लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर लगा दिए। जो भी धन उसने बिजनेस के अंदर लगाया है वो उस बिजनेसमैन की क्या है? पूंजी है। तो व्यवसाय में स्वामी के द्वारा विनियोजित जो भी धन होता है उसको पूंजी कहते हैं। जैसे उसने कैश लगाई, पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है, कैश के रूप में हो सकती है, गुड्स के रूप में हो सकती है, माल, जैसे कपड़े का व्यापारी है, कपड़े के व्यापारी ने बिजनेस के अंदर कपड़ा सेल करना है तो वो नेचुरल है कि कपड़ा खरीदेगा, तो कपड़ा उसका माल हुआ। फर्नीचर का व्यापारी है, वो फर्नीचर खरीद रहा है तो वो उसका माल हुआ। तो जो पूंजी लगाई जाती है बिजनेस के अंदर किसी रूप में भी हो सकती है, धन किसी रूप में भी हो सकता है, कैश है, गुड्स है, और भी कोई स्थायी संपत्तियां हो सकती हैं, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है। तो जो भी व्यवसायी के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट शब्दावली में आहरण। आहरण को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? कोई भी बिजनेसमैन अपने निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जब बिजनेस में से पैसा निकलवाता है तो उसे कहते हैं ड्राइंग। जैसे कपड़े का व्यापारी है और वो जो है उसने 50,000 रुपया बिजनेस से निकाला अपने घर का स्कूटर खरीदने के लिए। अब उसने घर का स्कूटर खरीदने के लिए बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो वो उसका निजी प्रयोग है। तो जब भी कोई व्यवसायी करता बिजनेसमैन अपने निजी प्रयोग के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए कोई भी पैसा बिजनेस से निकलवाता है तो उसे आहरण कहते हैं। और क्या होता है, उसने क्या किया है बिजनेसमैन अपने लाइफ, उसने अपने जीवन का बीमा कराया हुआ है, उसकी उसने किस्त पे करनी है, वो बिजनेस में से पैसा निकलवा रहा है। तो पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा बिजनेस में से निकलवाएगा वो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान भी आहरण के अंदर ही आता है। तो
तो निजी प्रयोग के लिए जब पैसा बिजनेस में से निकाला जाता है तो उसे ड्रॉइंग कहते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं आहार। माल, माल किसे कहते हैं? कोई भी व्यापारी कोई भी माल जब पुनः विक्रय करने के लिए खरीदता है, जैसे कपड़े के व्यापारी ने कपड़ा खरीदा तो बेचने के लिए ही खरीदेगा, फर्नीचर का व्यापारी है वो फर्नीचर खरीद रहा है, और मशीनरी का व्यापारी है मशीनरी खरीद रहा है, कॉस्मेटिक का सामान के व्यापारी है कॉस्मेटिक का सामान है। जो भी व्यापारी कोई भी वस्तु चीज़ खरीदता है, जो भी सामान खरीदता है और पुनः विक्रय के लिए खरीदता है लाभ कमाने के लिए, उसे माल कहते हैं। एक इसमें एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे कपड़े का व्यापारी है, ग्राहकों के बैठने के लिए वो फर्नीचर खरीद रहा है, उसको माल नहीं कहेंगे, वो व्यापारी की संपत्ति कहलाएगी। तो इसलिए माल से क्या अभिप्राय है? जो लाभ कमाने के लिए पुनः विक्रय के लिए व्यापारी के द्वारा खरीदा जाता है। जैसे कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है और फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर खरीदता है, तो ये व्यापारी के लिए माल कहलाता है। उसके बाद है क्रय। क्रय किसे कहते हैं? क्रय का प्रयोग भी ऐसे ही है कि केवल माल को खरीदने के लिए ही इसका शब्द प्रयोग किया है। एक हमारा शब्द है क्रय, एक शब्द है विक्रय। माल को खरीदने के लिए क्रय शब्द का प्रयोग किया जाता है, माल को बेचने के लिए विक्रय शब्द का प्रयोग किया जाता है। माल जब खरीदते हैं तो उसे क्रय कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको परचेज कहते हैं, और जब माल बेचते हैं तो उसको विक्रय कहते हैं। तो जब माल को खरीदा जाता है तो उसे क्रय कहेंगे, और क्रय ये दो तरीके से खरीदा जा सकता है माल, नगद भी खरीदा जा सकता है, उधार भी खरीदा जा सकता है। ऐसे ही अगर खरीदे गए माल को व्यापारी वापस करता है तो उसे क्रय वापसी कहेंगे। उसके बाद है विक्रय। माल को बेचने के लिए विक्रय शब्द का प्रयोग किया जाता है, व्यापारी जो है माल को जब बेचता है तो उसे विक्रय कहते हैं, उसे विक्रय कहते हैं। विक्रय भी दो प्रकार का होता है, उधार भी माल को बेचा जाता है, नगद भी बेचा जाता है। दोनों तरीके से व्यापारी माल को बेचता है, और जब बिका हुआ माल वापस आ जाता है तो उसको विक्रय वापसी कहते हैं। देनदार, अगली शब्दावली है, अगला पॉइंट देनदार। देनदार किसे कहते हैं? जिन व्यापारियों को उधार माल बेचा गया है, माल क्योंकि नगद भी बेचा गया है उधार भी बेचा गया है, जब माल को नगद बेचते हैं तो कैश आ जाएगी, अदरवाइज जब व्यापारी उधार माल बेचता है तो पैसा नहीं आता। पैसा नहीं आता तो जिन्होंने पैसा बिजनेसमैन को देना है, व्यापारी को देना है, वो क्या कहलाएंगे? देनदार। तो जब माल को उधार बेचा जाता है तो देनदार पैदा होते हैं, उन्हें हम देनदार कहते हैं। जैसे शाम को 60,000 रुपये का माल उधार बेचा तो शाम ने बिजनेसमैन को कितने पैसे देने हैं? 60,000। तो शाम कितने का देनदार कहलाएगा? 60,000। तो जब माल को उधार बेचा जाता है तो देनदार पैदा होते हैं। ऐसे ही है लेनदार। जब बिजनेसमैन किसी भी व्यापारी से, होलसेलर से, प्रोड्यूसर से उधार माल खरीदता है, जब उधार माल खरीदेगा तो फॉर फ्यूचर उसको पैसा देना है, जिन्होंने उससे पैसा लेना है तो ये उनका क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएंगे? लेनदार। तो जब माल को उधार खरीदा जाता है, फ्यूचर में व्यापारी को उसका भुगतान करना होता है तो उसे लेनदार कहते हैं। जैसे राम से 60,000 का माल खरीदा, राम से 60,000 का उधार माल खरीदा, फ्यूचर में 60,000 रुपये जो है उसको भुगतान करने हैं, तो इसमें जब राम से खरीदा तो राम तो फिर लेनदार है, वो बिजनेसमैन से 60,000 रुपये मांगेगा फार फ्यूचर में। तो जब उधार माल खरीदा जाता है तो लेनदार पैदा होते हैं। उसके बाद है संपत्ति। संपत्ति बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था संपत्तियाँ क्या होती हैं। उन सभी वस्तुओं को संपत्ति कहते हैं जिसके ऊपर एक व्यापारी का स्वामित्व होता है। संपत्तियाँ कोई भी हो सकती हैं, भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, मशीनरी है, और ये संपत्तियाँ जो हैं बिजनेस के अंदर लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदी जाती हैं, पुनः विक्रय के लिए नहीं खरीदी जाती। इनका प्रयोग लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए खरीदा जाता है। संपत्तियाँ हमारी कई प्रकार की हो सकती हैं,
एक होती हैं स्थाई संपत्तियां, एक होती हैं करंट संपत्तियां। स्थाई करंट मतलब जिसको हम चालू बोलते हैं। स्थाई संपत्तियां जो होती हैं इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स स्थाई संपत्तियां कौन सी होती हैं जिनको लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए खरीदा जाता है, पुनः बेचने के लिए नहीं। जैसे बिजनेस के अंदर प्लांट खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, कंप्यूटर खरीदे हैं, और भी कई संपत्तियां हैं जो खरीदी हैं, कई हो सकती हैं, तो ये एक लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए खरीदी जाती हैं, पुनः विक्रय के लिए नहीं खरीदी जाती। तो ये होती हैं स्थायी संपत्तियां। चालू संपत्तियां कौन सी होती हैं जिनको हम पुनः ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक साल के भीतर भीतर या पुनः ही उनको विक्रय करके उनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कौन सी होती हैं? कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल्स है। तो ऐसी कई संपत्तियां हैं जिनको पुनः विक्रय करके उनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये है हमारी चालू संपत्तियां। इन संपत्तियों के अलावा और भी हमारी संपत्तियां होती हैं, जैसे मूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियों को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, और अमूर्त संपत्तियों को इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी संपत्तियां जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, माल है, मतलब ऐसी प्रत्येक वस्तु, ऐसी प्रत्येक संपत्ति जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। भूमि, भवन, मशीनरी, ये सारी हमारी मूर्त संपत्तियाँ हैं। अमूर्त संपत्तियाँ जिनको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, वो होती हैं अमूर्त संपत्तियाँ। मूर्त अमूर्त संपत्तियाँ कौन सी होती हैं? जैसे गुडविल, ख्याति। ख्याति क्या है? एक व्यक्ति की प्रसिद्धि। जैसे मैं आपको स्कूल का एग्जाम्पल देती हूँ, स्कूल में बहुत बच्चे एडमिशन्स हैं और 2000 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, अभी भी मेरिट के आधार पर हो रहा है, लेकिन सीट नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि स्कूल की मतलब को महसूस किया जा सकता है कि इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ऐसे ही एक दुकानदार है, दुकानदार है, ग्राहक सारा दिन लाइन बनी हुई है सामान खरीदने के लिए, तो उसको हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो गुडविल है, प्रसिद्धि है, बहुत अच्छी है, यहाँ का सामान बहुत अच्छा है। तो गुडविल एक व्यक्ति की प्रसिद्धि होती है जिसको ना देखा जा सकता है, ना मैं छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। तो ऐसी संपत्तियों को अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। तो ऐसे बच्चों जो है, और हम ये हमारी इम्पोर्टेंट अकाउंट की जो है शब्दावली है, जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, सारे अकाउंट्स के ऊपर ये लागू होगी, और इसको अच्छे से समझ के करना है आपने। तो अगला है लागत। लागत क्या होती है? जब भी हम कोई वस्तु प्राप्त करते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए जो भी हमें धनराशि देनी होती है, तो जो हम धनराशि देते हैं उसके अंदर जो हमारे से जो भी व्यापारी है, जैसे हमने किसी से खरीदी है, तो वो अपनी लागत जोड़कर हमारे से पैसा लेगा, यानी कि अपने खर्चों को जोड़कर लेगा, वो लाभ कमाएगा। 10 रुपये की चीज़ उसने खरीदी थी और हमारा जो है वो हमें लाभ पर बेच रहा है, हम उसे ज़्यादा कीमत देकर वस्तु को खरीद रहे हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन में या सेवा को प्राप्त करने हेतु जो भी खर्चे करने पड़ते हैं, ये सारे खर्चे जो हैं वो एक बिजनेसमैन की लागत है, और वो लागत जोड़कर ही ग्राहक को वस्तु को बेचता है ताकि वो लाभ कमा सके। तो एक वस्तु को खरीदने में जो भी उसको खर्चे करने पड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लागत। और उसके बाद है खर्चा, वस्तु और सेवाओं को उत्पन्न करने में और फिर उसको विक्रय करने में जो भी लागत आती है उसको हम क्या कहते हैं? खर्चा। उसको क्या कहते हैं? खर्चा। उसके बाद है खर्चे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पूंजीगत खर्चे, एक होते हैं आयगत खर्चे। जैसे खर्चे हैं ऐसे ही प्राप्तियां भी होती हैं। ऐसी प्राप्तियां कौन सी होती हैं?
प्राप्तियाँ किसी भी रूप में प्राप्त हो सकती हैं बिजनेसमैन को, पूंजी के रूप में भी प्राप्त हो सकती हैं, ऋण के रूप में भी हो सकती हैं और निक्षेप के रूप में भी हो सकती हैं, उसने कोई पैसा जमा कराया हुआ है तो कई तरीके से, जैसे स्थायी संपत्तियाँ भूमि भवन मशीनरी इनको सेल करता है तो जब वो विक्रय की जाती हैं उनसे राशि मिलती है तो वो भी प्राप्तियाँ होती हैं। तो प्राप्तियाँ एक बिजनेसमैन को कई तरीके से हो सकती हैं। सपोज करो ये तो लाभ कमाने वाली संस्थाएँ हैं, अगर कोई ना लाभ कमाने वाली संस्था है तो उसको भी प्राप्तियाँ होती हैं। उसको किस रूप में होती हैं? दान के रूप में होती हैं, जिसको हम डोनेशंस बोलते हैं। तो ऐसे ही लाभ कमाने वाली संस्था है या ना लाभ कमाने वाली संस्था है, इनकम तो हर संस्था को रूप अलग अलग हो सकता है, इसी रूप में वो होती हैं। तो इस तरह से जो है हमारी ये जो प्राप्तियां हैं वो भी पूंजीगत और आयगत होती हैं। उसके बाद है लाभ। लाभ क्या होता है? जितनी आय है और व्यय है, अगर हमारी आय ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, आयों में से खर्चों को घटा देंगे या आयों का खर्चों के ऊपर अधिक्या होता है तो वो हमारे लाभ होते हैं। अगर खर्चे कम हैं आय ज़्यादा हैं तो लाभ होंगे, और अगर एक बिजनेसमैन के खर्चे ज़्यादा हैं और उसकी इनकम कम है तो उसको क्या होगा? लॉस होगा। तो इस प्रकार से जो है लाभ और हानि, कभी लाभ होता है कभी हानि होती है। तो अगर बिजनेसमैन के हानियां बढ़ जाती हैं तो उसको नेचुरल है कि उसको खर्चे बढ़ जाते हैं तो हानियां होंगी, और अगर उसके आय बढ़ जाती हैं तो उसको लाभ। तो ये थी बच्चों हमारी इम्पोर्टेंट शब्दावली इसकी, आधारभूत लेखांकन की, जिसके अंदर आपने डिस्कस किया कि व्यावसायिक लेन देन क्या होते हैं, आहरण क्या होता है, देनदार कौन होते हैं, लेनदार क्या होते हैं, क्रय विक्रय लागत। तो इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान से सुना होगा। इसकी जो आपको भेजी गई है व्हाट्सएप के ऊपर, उसको भी आप ध्यान से समझोगे पढ़ोगे। तो बच्चों इसको ध्यान से करना है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक था ये इम्पोर्टेंट शब्दावली का। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। थैंक यू।